हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आपको स्वागत है क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पंजाब वॉरियर्स वर्सेस फाल्को क्रिकेट क्लब के बीच में होने वाला 28 T10 मैच के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये मैच भारत के टाइम के अनुसार रात 12 बजे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये मैच स्टार्ट होने में अभी भी लगभग 2 घंटा 12 मिनट बाकी है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स स्क्रीन पर यहाँ पर विकेट कीपर हैं, बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर है और बॉलर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल मिला के आपको यहाँ पर 50+ प्लेयर्स मिलेंगे। इसमें हम लोग टॉप 11 प्लेयर्स को पिक करने वाले हैं फ्रेंड। ये टॉप 11 प्लेयर्स को लेकर आप किसी भी लीग ज्वाइन कर सकते हो, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, हेड टू हेड, मिनी ग्रैंड लीग, जो भी लीग आप खेलोगे फ्रेंड्स आप 100% जीत सकते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो विकेट कीपर सारे प्लेयर्स को। एक और काम आपको करना है फ्रेंड्स, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगर लिंक ओपन नहीं होता तो फ्रेंड टेलीग्राम पर जाकर इस तरह सर्च करना, क्रिकेट विद शत्रुघ्न चौबे, सर्च करते ही मेरा चैनल हो जाएगा फ्रेंड्स, आप वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड जल्दी जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और ये मैच इब्राहिम विदेरस क्रिकेट ग्राउंड गिरोना स्पेन में खेला जाएंगे फ्रेंड। एक और बात है फ्रेंड्स, लीग की नाम है फैन कोड ECS T10 स्पेन बार्सिलोना। तो फ्रेंड्स, ये तक पूरी इन्फॉर्मेशन है, अब लेट नहीं करते हैं, जल्दी से विकेट कीपर को पिक कर लेते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पर विकेट कीपर को देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 5 विकेट कीपर को पिक किए हैं। यहाँ पर एक और प्लेयर है फ्रेंड्स, यहाँ पर जगदीप सिंह पहला प्लेयर, 10 रन लास्ट 3 मैचेस नहीं खेले फ्रेंड्स, 13-8-0 और 7 रन बनाए, तो इस प्लेयर को अवॉइड कर दीजिएगा फ्रेंड। तेजपाल सिंह की बात करते हैं, 1 रन नॉट प्ले, 4-5-15-4-7, 0+3 विकेट, 35+1 विकेट। तो फ्रेंड्स, ये कन्फर्म हो गया कि तेजपाल सिंह विकेट कीपिंग नहीं करने वाला, तो इस प्लेयर को भी कैंसिल कीजिए। और कुलदीप सिंह की बात करते फ्रेंड्स, यहाँ पर 5th नंबर पे बैटिंग करते हैं, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो, 0-10 और 2 रन बनाए फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद मोहम्मद यसीन की बात करते हैं फ्रेंड्स, 8 नॉट प्ले 29-0 49 रन है। उसके बाद जीशान राजा की बात करते हैं, ओपनर बैट्समैन है फ्रेंड्स, 49-0 नॉट प्ले 0 नॉट प्ले 14 रन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप यहाँ पर दो प्लेयर को कन्फर्म कर सकते हैं, मोहम्मद यसीन और जीशान राजा में, दोनों में आप एक प्लेयर को ले सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर मोहम्मद यसीन अभी तक कोई खास मैचेस नहीं खेले, तो यहाँ पर जीशान राजा को आप यहाँ पर कन्फर्म कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक विकेट कीपर को हम लोग ले चुके हैं। अब आगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बैट्समैन के किस बैट्समैन को लेना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो जल्दी से हम लोग बैट्समैन को भी पिक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बैट्समैन की बात करें तो पहला बैट्समैन है फ्रेंड्स यहाँ पर विक्रमजीत सिंह। अगर इनकी बात करें तो 3-23-29-8-3-27-23 10 रन बनाए फ्रेंड्स यहाँ पर। और गुरप्रीत सिंह की बात करें तो 11-32-13-6-5-22 नॉट प्ले 2 रन है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद परमजीत सिंह की बात करें तो लास्ट 3 मैचेस नहीं खेले, उसके बाद 2+1 विकेट 0 विकेट है, तो इस प्लेयर को अवॉइड कर दीजिए। और तजिंदर सिंह की बात करते फ्रेंड्स यहाँ पर, नॉट प्ले 9+1 विकेट 8+0 विकेट, 0 रन 1 विकेट 24 रन कोई विकेट नहीं, 20+ कोई विकेट नहीं और 1 विकेट है फ्रेंड, तो तजिंदर सिंह को आप ले सकते हो। उसके बाद तजिंद्र पाड़ा की बात करते हो, 2 मैच लास्ट नहीं खेले और 4 रन बनाए, तो तजिंद्र पाड़ा को मैं कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद पलविंदर सिंह की बात करते हो फ्रेंड्स, 12+1 विकेट और नॉट प्ले। अदिल सरवर की बात करते हो, 2nd नंबर पर बैटिंग करते हैं, 4 रन कोई विकेट नहीं, 36 रन 3 विकेट 37 रन 34 रन 13 रन 1 विकेट है। और उसके बाद इजाज़ अहमद की बात करते हो, 37-17-0 25+4 विकेट और 0 रन है। उसके बाद शोएब खान की बात करते हैं फ्रेंड्स, 1 रन नॉट प्ले 9-5 0 रन है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद एक और प्लेयर है फ्रेंड्स यहाँ पर, रहमान राजपूत, अगर इनकी बात करते हैं 15-0-6 नॉट प्ले 4-16 रन है। उसके बाद कमरान राजा की बात करते हैं, 5 रन 2 विकेट 19 नॉट प्ले 19 रन 2 विकेट 1 विकेट 6 रन 2 विकेट। उसके बाद अदरन गंजाफर की बात करते हैं, 0 प्ले 2 रन है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर आप 3 बैट्समैन को लीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्स्ट्रा बैट्समैन पर जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर विक्रमजीत सिंह को आप एक प्लेयर को कन्फर्म कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद एक प्लेयर है गुरप्रीत सिंह, आप इनको भी कन्फर्म कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर अदिल सरवर को आप यहाँ पर कन्फर्म कीजिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। इजाज़ अहमद भी आपको बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर कमरान राजा, तो 5 में हम लोग यहाँ पर बेस्ट बैट्समैन को जल्दी से पिक करते हैं, 3 से 4 प्लेयर को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इजाज़ अहमद को मैं ले रहा हूँ, उसके बाद जी सिंह को ले रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, ताजवीर और यहाँ पर विक्रमजीत सिंह है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये प्लेयर काफ़ी आपको यहाँ पर पी सिंह कौर को आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। कमरान राजा अभी तक इस सीजन में एक भी मैच नहीं खेले, लेकिन लास्ट 5 मैच के उनकी स्कोर कार्ड मैंने दिया फ्रेंड्स आपको। तो फ्रेंड्स ये 5 बैट्समैन आपको काफ़ी है, आप चाहे तो यहाँ पर इजाज़ अहमद को कट करके 3 बैट्समैन पर जा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉलर ऑलराउंडर को खिलवा सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर ऑलराउंडर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जीवाल को 100% कन्फर्म कीजिए। उसके बाद यहाँ पर अदिल सरवर भी आपको बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। तो जल्दी से यहाँ पर ऑलराउंडर्स की स्टार्ट्स भी देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ऑलराउंडर में पहला प्लेयर है फ्रेंड्स मोहसिन अली, अगर इनकी बात करते 4th नंबर पर बैटिंग एंड फेस बॉलिंग भी करते हैं, 12 रन 2 विकेट 15 रन कोई विकेट नहीं, 24 रन कोई विकेट नहीं, 35 रन कोई विकेट नहीं, 0+0 विकेट 0+1 विकेट और 21+2 विकेट्स है फ्रेंड्स यहाँ पर। और गगनदीप सिंह की बात करें तो ऑलराउंडर है, 6th नंबर पर बैटिंग करते हैं, फेस बॉलिंग भी कर लेते हैं, 4+0 विकेट 0+3 विकेट 1+0 विकेट 0+1 विकेट 12+0 विकेट 0+0 विकेट 9 रन नॉट आउट 0 विकेट 32 रन कोई विकेट नहीं, 2 रन और 1 विकेट है। और अमनदीप सिंह की बात करते हैं फ्रेंड्स, नॉट प्ले 2 14+1 विकेट 6 नॉट प्ले,
उबैदुल रहमान की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो फ्रेंड्स, 1+1 विकेट, 2 विकेट, 4+ कोई विकेट नहीं, 1+1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 1 विकेट है। और गुरजीत सिंह की बात करते हैं फ्रेंड्स, 30+ कोई विकेट नहीं, 0 विकेट, 2+1 विकेट, 27+1 विकेट, 11 रन, 2 विकेट, 1 रन नॉट आउट, 1 विकेट, 0+0 विकेट है। उसके बाद शहबाज अहमद की बात करते हैं फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख सकते, 0 विकेट, 10 रन नॉट आउट, कोई विकेट नहीं, 14 रन कोई विकेट नहीं, 7 रन, 3 विकेट, 6 रन, 1 विकेट है। तनवीर इकबाल की बात करते फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलराउंडर है, 0 विकेट, 32+2 विकेट, 1+2 विकेट, 28, 23+1 विकेट है। नईम शाह की बात करते फ्रेंड्स, 0 विकेट, 13 रन प्लस नॉट आउट, 0 विकेट है। और यहाँ पर नॉट प्ले, 29 रन, 0 विकेट, 47 रन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब देखा जाए तो पूरे यहाँ पर 8 ऑलराउंडर हैं। तो यहाँ पर मोहसिन अली आपको बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, गगनदीप सिंह भी बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उबैदुल रहमान हर मैच में विकेट लें इस मैच के अलावा, गुरजीत सिंह भी आपको बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर तनवीर इकबाल और नईम शाह को आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जल्दी जाकर ऑलराउंडर को भी पिक कर लेते हैं, जी बाल को ले चुके हैं, आदिल सरवर भी आपको बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर गुरजीत सिंह आपको ले सकते हैं और मोहसिन अली है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक टीम मेरा ऑलराउंडर की पिक कर ली है। अब यहाँ पर गेंदबाजों की बात है फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 बॉलर्स को लेने वाले हैं, इससे ज़्यादा नहीं लेने वाले हैं फ्रेंड्स। तो जल्दी से बॉलर्स को भी पिक कर लेते हैं। टॉप 12 में हम लोग यहाँ पर 3 बॉलर्स को लेंगे। चरणजीत सिंह की बात करें तो फ्रेंड्स, नॉट प्ले, 2 नॉट प्ले, 0 रन, 1+1 विकेट और 0 विकेट है। तो चरणजीत सिंह को अवॉइड कीजिएगा फ्रेंड्स। बलविंदर सिंह की बात करें, 18 रन 2 विकेट, 7 रन 2 विकेट, 9 रन 1 विकेट, 13 रन कोई विकेट है, 9 रन 2 विकेट। तो फ्रेंड्स इस मैच के अलावा हर मैच में विकेट हैं, तो बलविंदर सिंह का आपको बेस्ट ऑप्शन है। और हरदीप सिंह जूनियर की बात करते हैं, 11 रन कोई विकेट है, 3 रन 1 विकेट, 8 रन 3 विकेट, 0+0 विकेट, 6 रन आप चाहे तो ले सकते हो फ्रेंड्स इस प्लेयर को, नहीं तो अवॉइड कर दीजिए। मनप्रीत सिंह की बात करें, नॉट प्ले, 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 रन नॉट आउट, कोई विकेट नहीं, तो अवॉइड कर रहा हूँ फ्रेंड्स इस प्लेयर को मैं। और परमवीर सिंह की बात करते फ्रेंड्स, यहाँ पर फेस बॉलिंग करते हैं अपने टीम के लिए, 11 रन कोई विकेट नहीं, 0+0 विकेट, 0+1 विकेट, 10+1 विकेट, 0 विकेट, 1 रन 1 विकेट, 4 रन कोई विकेट नहीं और 1 विकेट। तो फ्रेंड्स परमवीर सिंह को आप कैंसिल कीजिए। तरनदीप सिंह की बात कर, 2 रन कोई विकेट नहीं, 1 विकेट, 18 रन कोई विकेट नहीं, 1 रन कोई विकेट नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर। कवार जावेद की बात करते, हर मैच में विकेट नहीं, 6+2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 है। तो फ्रेंड्स कवार जावेद अगर प्लेइंग 11 में, तो 100% प्लेइंग 11 में आपको टीम में लेना पड़ेगा। उसके बाद नईम शहजादे की बात करें, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0+0 विकेट, 1 विकेट है। अवेश खान की बात करें तो फ्रेंड्स, नॉट प्ले, 7 रन, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट है। उसके बाद अदिल अरिफ की बात करें, 1 विकेट, 0 विकेट, 20 रन कोई विकेट नहीं, 1+0 विकेट, 7+0 विकेट है। उसके बाद हसन अली की बात करें, 0 विकेट है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद मोहम्मद सिराज की बात करें, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1+1 विकेट और 1 विकेट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको गेंदबाजी में बहुत प्लेयर्स मिले, यहाँ पर बलविंदर सिंह को आप ले सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर विकेट्स लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर परमवीर सिंह की बात करें तो कोई विकेट नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो कवार जावेद आपको बेस्ट ऑप्शन है। एक और प्लेयर आपको नदीम शहजादे को ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन की बात करते हैं, मोहम्मद सिराज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग 4 बॉलर्स को पिक किए, तो यहाँ पर किसको लेना चाहिए आपको बता देते हैं। एम सिंह सिद्धू आपको बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद सिराज है फ्रेंड्स यहाँ पर, आप इनको ले सकते हो, अदिल अरिफ को ले सकते फ्रेंड्स यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये 3 बॉलर आपको काफी है, दूसरे बॉलर की लेने की जरूरत नहीं है। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप सेफ टीम बनाना चाहते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब जी बाल आपको बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन के लिए। अगर वाइस कैप्टन की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर अदिल सरवर आपको बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। अगर टीम प्रीव्यू की बात करें तो फ्रेंड्स जीसन राजा को मैंने विकेट कीपिंग में पिक किए। बैट्समैन में जी सिंह, तजवीर, बी सिंह, बलजीत सिंह है फ्रेंड्स यहाँ पर। ऑलराउंडर्स में अदिल सरवर, जी सिंह, मोहसिन अली, जी बाल है। यहाँ पर गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, अदिल अरिफ और यहाँ पर एम सिंह सिद्धू है फ्रेंड्स यहाँ पर। वाइस कैप्टन में जीवाल और यहाँ पर अदिल सरवर को मैंने पिक किया। तो फ्रेंड्स ये कोई मेरा फाइनल टीम नहीं है, आपको स्टार्टिंग मैंने बताया। अगर इसमें एक तो प्लेयर कोई मिस होता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फाइनल टीम के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल में विजिट करना पड़ेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर लिंक ओपन नहीं होता है फ्रेंड्स तो टेलीग्राम पर इस तरह जाकर सर्च करते हैं, मेरा चैनल हो जाएगा, वहाँ जाकर ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपको सारा इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिलने वाला है। कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात कर दे तो 28 T10 मैच है फ्रैंकफर्ट ईस्ट स्पेन बार्सिलोना का, 12 AM रात भारत के टाइम के अनुसार रात 12 बजे होने वाला है। इब्राहिम विदरेस क्रिकेट ग्राउंड गिरोना स्पेन में खेला जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दोनों टीम के अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर पंजाब वॉरियर्स की और यहाँ पर फाल्को टीम की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों टीम आप देख सकते हैं 3 मैच 2 मैच जीते हैं, 1 मैच हारे हैं। और पंजाब वॉरियर्स ने यहाँ पर 7 मैच में 2 मैच जीते हैं, 5 मैच हार के। और यहाँ पर देख सकते हैं पॉइंट टेबल में यहाँ पर फाल्को की 5th और यहाँ पर 8th पोजीशन है पंजाब वॉरियर्स की। पिच बैलेंसड रहने वाला है, एवरेज पर्सन 85-100 रन तक बन सकता है। पावर कोस्ट क्लाउड्स है फ्रेंड्स यहाँ पर। उसके बाद 12.83 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस रहने वाला है। पंजाब वॉरियर्स की बात करें तो लास्ट 5 मैच में 1 ही मैच जीते हैं और 4 मैच हार गए। और यहाँ पर फाल्को ने लास्ट 3 मैचेस जीते हैं, 2 मैच जीते हैं, 1 मैच हार हैं, 1 मैच जीते हैं, फिर 1 मैच, मतलब इसका मतलब 3 जीते हैं और 2 हार गए फ्रेंड्स यहाँ पर फाल्को टीम। तो फाल्को टीम यहाँ जीतने की हाई चांसेस है। अगर हेड टू हेड की भी बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर फाल्को ने दोनों बार जीत लिया फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं फाल्को बीट पंजाब वॉरियर्स पर 53 रन, फाल्को
को बीट पंजाब वॉरियर्स बाई 21 रन। तो यहाँ पर एक अच्छा साइन है फ्रेंड्स यहाँ पर फाल्को के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मैंने सारे इन्फॉर्मेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर जाना फ्रेंड्स। थैंक यू।